please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह, और मेरे साथ मौजूद है हिमांशु गोयल जी, जो पेशे से सीए हैं लेकिन इन्होंने रेरा के बारे में बहुत अच्छी खासी रिसर्च करी है और रियल्टर्स को ये लेक्चर देते रहते हैं। रियल्टर्स इनसे टाइम लेके मिलते हैं कि उनको रेरा के बारे में और अच्छे से जानकारी मिले और वो रेरा को समझ सकें, तो हम इनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी रेरा और अच्छे से समझ में आए। स्वागत है हिमांशु जी सबसे पहले आपका हमारे शो में। हिमांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर एक रियल्टर रेरा से जुड़ता है तो उसका इसमें क्या फ़ायदा होगा? देखिए, रेरा के माध्यम से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक रेगुलेशन कर दिया गया है। अब एक ये रेगुलेट होके इस इंडस्ट्री में सारे ट्रांजैक्शंस जो होंगे, इस एक्ट ने कहा कि आपको हर ट्रांजैक्शन पे मैं वॉच करूँगा। रियल एस्टेट रियल्टर को सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि अब रेरा के माध्यम से उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वो जिस प्रोजेक्ट को मार्केट कर रहा है वो प्रोजेक्ट सही है या नहीं है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट जब रेरा में रजिस्टर्ड होगा तो सरकार ने उसकी जाँच पहले से कर ली। अब उस जांच होने के बाद वो फ्री है कि वो आराम से इस प्रोजेक्ट को बेच सकता है, ट्रस्ट कर सकता है, क्योंकि उस पर सरकार का एक ठप्पा है। रियल एस्टेट रियल्टर खुद को भी सरकार ने कहा है कि आपको रजिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि सरकार ने कहा कि पूरी इंडस्ट्री को मैं रेगुलेट करना चाहता हूँ। अब जब रियल एस्टेट रेगुलेटर भी इसमें रजिस्टर हो जाएगा और प्रोजेक्ट भी रजिस्टर होगा, तो आप यकीन मानिए जो कस्टमर है उसका भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं एक रेगुलेटेड आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे ज्वेलरी बिकती है तो BIS स्टैंडर्ड अगर जिस पर लगा हॉलमार्क लगा हुआ होता है तो हर कस्टमर को आसानी रहती है उसको खरीदने में। इसी तरह रियल एस्टेट इंडस्ट्री जिसमें कि बहुत ज़्यादा मशरूमिंग हो गई थी, पान वाला भी एजेंट बन गया था, दुकान वाला भी एजेंट बन गया था, कोई पियॉन ड्राइवर भी एजेंट बन गया था, अब इससे छटनी हो जाएगी अच्छे लोगों की और एक बहुत अच्छे रूप में नया काम चालू होगा, अच्छे ढंग से काम चालू होगा, प्रोफेशनल वे में काम चालू होगा। तो जो ग्राहक है, जो घर खरीदना चाहता है, जो अपनी खून पसीने की पैसा लगाना चाहता है, उसको एक सुकून मिलेगा कि मैं एक अच्छे व्यक्ति के साथ डील कर रहा हूँ जो कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो रियल्टर होता है, एक बिल्डर होता है और एक होम बायर होता है, पहले इनका रिश्ता काफ़ी उलझ जाता था। अगर बायर को कोई दिक्कत आती थी तो समझ नहीं आता तो रियल्टर के पास जाए या बिल्डर के पास जाए, बिल्डर के पास जाए तो कहता था मैंने तो ये चीज़ें रियल्टर को बता दी थी, रियल्टर फिर इसमें काफ़ी चीज़ें उलझ जाती थी। तो आपको क्या लगता है कि अब रेरा से रियल्टर भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे और बिल्डर भी रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो बायरों के लिए चीज़ें सुलझेंगी, आसान होंगी? जी बिल्कुल। क्या होगा, देखिए रेरा ने एक सब प्रोजेक्ट्स की वेबसाइट बनवा दी और उस वेबसाइट पे सारी डिटेल्स है कि प्रोजेक्ट में लैंड कितनी है, ज़मीन का टाइटल कैसे आया, उसमें क्या बनेगा, कितनी पार्किंग होगी, क्या क्या सुविधाएं होंगी, ये सारी चीज़ वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब रियल एस्टेट रियल्टर को एक बड़ी आसानी हो गई है, उसको सिर्फ उस वेबसाइट पे जाके और ग्राहक को ये बताना है कि देखिए ये चीज़ें आप देख लीजिए और इसके माध्यम से, क्योंकि ये चीज़ें सरकार ने जाँच ली हैं तो इसलिए अब आपको इनके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो टेक्निकली बात करें तो बहुत सधी हुई मार्केटिंग होगी, बहुत सधा हुआ काम होगा, किसी में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि कोई एजेंट का जब काम करता था रियल्टर का, उसने अपने पैसे लिए और वो चलता बनता था, परंतु अब उस पर जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको उसके साथ जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा। प्रमोटर्स के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने के 5 साल बाद तक आपको इस प्रोजेक्ट से जुड़ा रहना पड़ेगा, कल को कोई भी डिफेक्ट होता है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट का आपको पूरा करना पड़ेगा। तो जो देखिए अल्टीमेटली सरकार का एम है बायर को, जो ग्राहक है वो जो अपनी खून पसीने की कमाई दे रहा है, उसको सुकून देना कि वो जो अपनी मेहनत के पैसे से घर खरीद रहा है वो सही है। अब इसमें उसने रियल्टर को भी बांध दिया, प्रमोटर को भी बांध दिया, तो उस व्यक्ति के लिए बड़ा आसान हो गया है अब जाना और एक ऑथराइज्ड एजेंट के थ्रू काम करना। तो इससे सबको बहुत फायदा है और एक बहुत ही हारमोनियस वे में इस इंडस्ट्री की ग्रोथ आएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो रियल एस्टेट मार्केट है अपने काफ़ी बेहद मुश्किल दौर से इस वक्त गुजर रहा है, रिसेशन है, जो ब्रोकर्स हैं, रियल्टर्स हैं, वो भी परेशान है, बिल्डर भी परेशान है, बायर पैसे नहीं लगाना चाहते जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो सिर्फ रेडी टू मूव इन में ही जाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि रेरा के आ जाने के बाद अभी कितना वक्त और लगेगा मार्केट को ऑन द ट्रैक आने में, मार्केट को बिल्कुल सही होने में? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शब्द है विश्वास। हम हिंदुस्तानी विश्वास पे जीते हैं, चाहे वो भगवान में विश्वास हो, चाहे वो एक दूसरे में विश्वास हो। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के कारण, चाहे वो NCR में कहिए या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहिए, इस इंडस्ट्री से विश्वास उड़ गया था एक बायर का। क्यों? फंड्स का डाइवर्जन हो गया था, चीज़ें रुक गई थी, काम नहीं बढ़ रहा था, किसी तरीके से पोजेशन नहीं मिल रहा था। तो जो एक आम गरीब व्यक्ति घर खरीदना चाहता था वो सहमा हुआ सा था, डरा हुआ सा था। रेरा आने से अब क्या होगा, देखिए हर इंडस्ट्री का एक समय आता है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को 8 साल का समय दिया गया है। 2008-09 से ये इंडस्ट्री बहुत बूम पर थी,
2011 के बाद ये इंडस्ट्री गिरना चालू हुई, पर आज हम 2018 में हैं। 2018 में आप यकीन मानिए, अगर आप अपनी तरफ से देखना चाहेंगे तो आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स अब अवेलेबल नहीं हैं। स्टॉक पहले बहुत ज़्यादा था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना, सीएम आवास योजना, इन योजनाओं के माध्यम से बहुत सारा अच्छा स्टॉक, अफोर्डेबल स्टॉक लोगों के लिए आ रहा है। मेरी पर्सनल ये सोच है, साल डेढ़ साल का समय और लगेगा और इस समय के बाद ये मार्केट सुधरने लग जाएगा, कारण अब एक्चुअल बायर आ रहा है। देखिए पहले क्या था, इन्वेस्टर आता था, वो 100 मकान खरीदता था, परंतु अब उस इन्वेस्टर के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। क्यों? रेरा ने कहा एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर कराना पड़ेगा, अब वो नहीं कराना चाहता, वो अपना नाम नहीं देना चाहता। इस पूरी इंडस्ट्री को एक रेगुलेट कर दिया है, तो इस इंडस्ट्री में अब धीरे धीरे ग्रोथ आनी चाहिए। आम भाषा में कहेंगे जो अनस्ट्रक्चर था, सारी चीज़ें उलझी हुई थी, वो अब एक स्ट्रक्चर में आ गई हैं, एक वे में आ गई हैं। जी बिल्कुल, एक स्ट्रक्चर बन गया है, एक रूपरेखा बन गई है, और एक बहुत ही सधी हुई रूपरेखा इस तरह की बनी है कि कोई भी ग्राहक आता है उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो रजिस्टर्ड लोगों के पास जाए जिनको सरकार ने मान्यता दे रखी है और अपना काम करा ले। मैं रियल्टी मीडिया की तारीफ़ करना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने सारे रियल एस्टेट डेवलपर्स को, प्रमोटर्स को, रियल्टर्स को, और ख़ास तौर से जो घर खरीदने वाले लोग हैं, बायर्स को एक बहुत ही सदैव रूप में जोड़ा है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिसके माध्यम से वो अपनी बात रख सकें, जो अपनी सारी कमजोरियां बता सकें, जो अपनी सारी तकलीफ़ें बता सकें, और उसके माध्यम से अपनी बात दीवाने खास तक पहुंचा सकें और उसका सल्यूशन पा सकें। रियल्टी मीडिया एक बहुत ही अच्छा वेंचर है जिसके माध्यम से ये सारा जितना बिखरा हुआ काम था रियल एस्टेट का, ये जुड़ के एक परिवार बन गया है। बहुत बहुत बधाइयाँ रियल्टी मीडिया को, और आशा है आप इसी तरह आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।